नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल का दिन और आज के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न, दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न हमारा है, यूक्रेन में हुए हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से विजयी हुए हैं। तो दोस्तों हाल ही में आपको बताना है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुए हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस भारतीय आईटी कंपनी ने डाक वितरण सिस्टम को बदलने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों हाल ही में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, जो कि एक भारतीय आईटी कंपनी है, उसने डाक वितरण सिस्टम को भारत में बदलने के लिए भारतीय डाक के साथ एक समझौता किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। तो दोस्तों बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन की, तो भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अब इसे बहु सेवा डिजिटल हब में बदलने के लिए डाक विभाग के साथ साझेदारी की है। यह मेल और पैकेजों के वितरण का आधुनिकीकरण करेगा, ग्राहक अनुभव को बढ़ाएगा और नई सेवाओं को लॉन्च करेगा जो नए राजस्व का संचालन करेगा। तो दोस्तों इस हेतु टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारतीय डाक के साथ एक साझेदारी की है। तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगर बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मूल संगठन है, यह है टाटा समूह का। टाटा समूह का एक मूल संगठन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो, जो कि डेली करेंट अफेयर्स पे आधारित हमारे वीडियो होते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। इन वीडियोज़ को दोस्तों अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी करेंट अफेयर्स की अच्छी हो सके। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के और प्रश्न हमारे हैं। तो प्रश्न संख्या दो हमारी है दोस्तों आज की, हाल ही में ट्विटर यानी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों ट्विटर, के द्वारा भारत में MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में ट्विटर ने भारत के MD के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों हाल ही में ट्विटर ने भारत के MD के रूप में मनीष माहेश्वरी को नियुक्त किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में ट्विटर के द्वारा दोस्तों भारत के MD के रूप में महेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया, इस तरह ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ट्विटर ने मनीष माहेश्वरी को अपने भारत संचालन के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया है। 2018 में तरनजीत सिंह ने भारत के निदेशक के रूप के से पद से इस्तीफा दिया था और बालाजी कृष्ण को अंतरिम अवधि के देश में संचालन के नेतृत्व का प्रभार दिया गया था। इन्हीं के स्थान पर दोस्तों हाल ही में मनीष महेश्वरी को ट्विटर ने दोस्तों भारत के MD के रूप में नियुक्त किया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ट्विटर के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया किसको, महेश माहेश्वरी जी को। तो दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में महेश माहेश्वरी है, इन्हें भी आप देख लीजिए। बात करें दोस्तों अगर हम ट्विटर की, तो दोस्तों ट्विटर यहाँ पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या है दोस्तों, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 21 मार्च वर्ष 2006 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 21 मार्च वर्ष 2006 को दोस्तों ट्विटर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 21 मार्च वर्ष 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। तथा इसका जो प्रेजेंट टाइम में CEO है वो है जैक डार्सी। कौन है दोस्तों, जैक डार्सी। कौन है, जैक डार्सी इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं ट्विटर के। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में। तो इतनी चीज़ें आपको ट्विटर के बारे में भी पता होनी चाहिए। क्या क्या बताया मैंने दोस्तों, इसकी स्थापना, ट्विटर की स्थापना 21 मार्च वर्ष 2006 को हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं जैक डार्सी हैं। प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में। तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखनी है। बात करें दोस्तों अगर हम तीसरे प्रश्न की, तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग ने नेशनल IP अवार्ड 2019 जीत लिया है। तो दोस्तों हाल ही में
केरला कृषि विश्वविद्यालय के बौद्धिक संपदा विभाग ने नेशनल आईपी अवार्ड 2019 जीता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। केरल कृषि विश्वविद्यालय के एक विभाग है जिसका नाम दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग है, उसी के द्वारा हाल ही में नेशनल आईपी अवार्ड 2019 को जीता गया है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन की तो दोस्तों यहाँ पे केरल कृषि विश्वविद्यालय के भौतिक संपदा अधिकार सेल को राष्ट्रीय भौतिक संपदा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस को मनाया गया कब, 21 अप्रैल के दिन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में 21 अप्रैल के दिन दो महत्वपूर्ण दिवसों को मनाया गया था, इसे भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाल ही में 21 अप्रैल के दिन सिविल सेवा दिवस भी मनाया गया था, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया भी था, हाल ही में 21 अप्रैल के दिन सिविल सेवा दिवस को भी मनाया गया था और 21 अप्रैल के दिन पूरे विश्व में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस को भी मनाया जाता है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों बात करें डिस्क्रिप्शन की तो विश्व सृजनशीलता और नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को 2015 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित सभी मुद्दों के लिए समस्या समाधान में रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसको मनाने का मेन उद्देश्य वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो कि 21 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसको मनाने का जो मेन उद्देश्य है 2015 के सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के हेतु उनको प्रोत्साहित करना, इसको मनाया जाने का मेन उद्देश्य मेन मोटिव है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल के दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है तथा इसी दिन 21 अप्रैल के दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है भारत में, क्या था उसका नाम दोस्तों मैंने बताया था सिविल सेवा दिवस, इसी दिन 21 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारे साथियों हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। दोस्तों आपको बताना है उस देश का नाम जहां पे हाल ही में उस देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए तथा उस राष्ट्रपति चुनाव में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारी बहुमत से जीत हासिल की तथा उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस तरह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में। बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन की तो दोस्तों एक अभिनेता और कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की, क्या नाम है दोस्तों इनका, वोलोडिमिर और जेलेंस्की जो दोस्तों एक अभिनेता और कॉमेडियन है, ने यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में उनके अवलंबी पेट्रो पोरोशेंको को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। उन्हें लंबे समय से चल रही यूक्रेनी टेलीविजन सीरीज ऑफ द सर्वेंट्स द पीपल में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिनमें उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। तो आप इसे याद कर लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं कहाँ के, यूक्रेन के। दोस्तों अगर हम बात करें यूक्रेन के भौगोलिक स्थिति के तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों मैप में ये है यूक्रेन है, छोटा यूक्रेन है, यहाँ की जो राजधानी है प्रेजेंट टाइम में कीव है। क्या दोस्तों, कीव यहाँ की प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन की राजधानी है। अगर हम बात करें यूक्रेन की करेंसी की तो यूक्रेन की जो करेंसी है दोस्तों वो है यूक्रेनी रिनबिया। क्या दोस्तों, यूक्रेनी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रिनबिया, क्या है दोस्तों, यूक्रेनी रिनबिया यहाँ की प्रेजेंट टाइम में करेंसी है। और बात करें यहाँ की राजधानी की तो प्रेजेंट टाइम में राजधानी यहाँ के कीव है। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी देशों की तो दोस्तों इसके जो पड़ोसी देश हैं वो इसके रूस इसका पड़ोसी देश है, यहाँ पे रसिया इसका पड़ोसी देश है, उसके बाद बेलारूस इसका पड़ोसी देश है दोस्तों, उसके बाद कौन कौन से हैं, बेलारूस पोलैंड स्लोवाकिया है, उसके बाद दोस्तों हंगरी भी है, हंगरी इसका पड़ोसी देश है, उसके बाद दोस्तों रोमानिया और माल्डोवा भी इसके पड़ोसी देश हैं, तथा इसके दोस्तों इसके दक्षिण में ब्लैक सी, इसके दक्षिण में दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके दक्षिण में ब्लैक सी है और सी आप अजोब, क्या दोस्तों, अजोब सागर भी इसके दक्षिण में है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी के साथ एग्जाम में बैठना है। तो दोस्तों आगे प्रश्न को देख लेते हैं।
छठा प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो दोस्तों हाल ही में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, यानी इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको मतलब पता होना इसके, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? तो दोस्तों भूत प्रेत की जांच करने वाले, जिसने दोस्तों भूत प्रेत वादी जितने भी घर होते हैं, मान लीजिए जितने घरों में भूत प्रेत होते हैं उनकी जांच करने के लिए उन्हीं को दोस्तों बोला जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो दोस्तों यही एक भूत प्रेत वाहित जितने भी घर होते थे उनकी जाँच करती थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में लोरेन वारेन, क्या नाम दोस्तों? हाल ही में लोरेन वारेन जो कि एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। लोरेन वारेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन की, तो सबसे प्रसिद्ध एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोरेन वारेन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने दिवंगत पति एड वॉरेन के साथ पूरे जीवन भर प्रेतवादित घरों और अपसामान्य गतिविधियों की जांच की थी। दोस्तों इन्हीं से प्रोत्साहित होकर, जो आपने देखा होगा मूवी बनी थी हॉलीवुड की द कंजरिंग मूवी, इन्हीं से प्रोत्साहित होकर बनी थी, और एमिटिवल हॉरर जो मूवी थी ये दोनों मूवियाँ भी इन्हीं से इंस्पायर होकर बनी थी। तो इन एक प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति थी, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, जरूर इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पे पीछे देख पा रहे हैं द कंजरिंग 2, इन्हीं से इंस्पायर होकर ये मूवी बनी थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती? तो दोस्तों हाल ही में आयोजित की गई संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है सर्विसेज ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में सर्विसेज ने किसको हराकर, पंजाब को हरा के, किसको दोस्तों? हाल ही में सर्विसेज ने फाइनल में पंजाब को हरा के, किसको हराकर दोस्तों? फाइनल में पंजाब को हराकर 1-0 से इस बार की संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया, किसने? सर्विसेज ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अगर हम संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता की, तो दोस्तों यह एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसमें क्षेत्रीय फुटबॉल संघ और सरकारी संस्थानों की टीमें हिस्सा लेती हैं। कौन कौन दोस्तों इसमें हिस्सा लेती हैं? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल है इसमें जो टीमें हिस्सा लेती हैं वो लेती हैं क्षेत्रीय टीमें होती हैं, जो जितने भी क्षेत्रीय टीमें होती हैं और सरकारी संस्थानों के जितनी भी फुटबॉल टीमें होती हैं वे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। टोटल 31 टीमें, कितने दोस्तों? टोटल 31 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी वर्ष 1941 में, इसे भी आपको बताना चाहिए दोस्तों, वर्ष 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तथा 2019 की संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का जो विजेता है वो है सर्विसेज है, सर्विसेज ने फाइनल में पंजाब को हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की। बात करें दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 8, किस जनरल इंश्योरेंस ने कारोबारियों के लिए साइबर डिफेंस इंश्योरेंस सुविधा शुरू की है? दोस्तों आपको उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने कारोबारियों के लिए साइबर डिफेंस इंश्योरेंस सुविधा की शुरुआत की है हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने कारोबारियों के लिए साइबर डिफेंस इंश्योरेंस सुविधा की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, SBI जनरल इंश्योरेंस। बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन की, तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने व्यवसायों को साइबर हमलों के कारण वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान से बचाने के लिए एक उत्पाद जिसका नाम है साइबर डिफेंस इंश्योरेंस की शुरुआत की है। यह साइबर उल्लंघनों के बढ़ते खतरे से सुरक्षा प्रदान कराएगा, जिसकी शुरुआत हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा की गई है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। कब हुई थी? वर्ष 2009 में दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO हैं। कौन है दोस्तों? प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO हैं। कौन है दोस्तों? मैं आपको बता रहा हूँ, इसके MD CEO पूषण महापात्रा। कौन है दोस्तों? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पूषण महापात्रा इसके प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। बात करें आज के 9वें प्रश्न की, तो अमर्त्य सेन चेयर इन 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 इक्वेलिटी स्टडीज़ की शुरुआत हाल ही में किस शैक्षिक संस्थान द्वारा की गई? तो दोस्तों हाल ही में आपको उस शैक्षिक संस्थान का नाम बताना है जिसके द्वारा अमर्त्य सेन इन
अमर्त्यसेन चेयर इन इनक्वालिटी स्टडीज़ की शुरुआत हाल ही में की गई। तो दोस्तों हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के द्वारा दोस्तों अमर्त्यसेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडीज़ की शुरुआत की गई हाल ही में, इसी तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत है अमर्त्यसेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडीज़ की, वो की गई दोस्तों हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के द्वारा। बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन के दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने भारत के जन्मे अर्थशास्त्री, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता के सम्मान में नामांकित असमानता अध्ययन में अमर्त्यसेन चेयर के निर्माण की घोषणा की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ये है पिक्चर में हमारे अमर्त्यसेन जी, इन्हीं के नाम पे दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के द्वारा क्या किसकी शुरुआत की गई है, अमर्त्यसेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडीज की शुरुआत की गई है। बात करें दोस्तों अगर हम अमर्त्यसेन जी की, तो दोस्तों ये अमर्त्यसेन जी 1971 से 1982 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। तथा दोस्तों इनको वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब दोस्तों, अमर्त्यसेन जी को दोस्तों वर्ष 1998 में दोस्तों अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तथा वर्ष 1999 में, कब दोस्तों, वर्ष 1999 में इनको दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बात करें दोस्तों अगर हम आज के लास्ट प्रश्न की, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है, हाल ही में टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों हाल ही में टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड योजना की जो शुरुआत है वह की गई किसके द्वारा, बजाज एलियंस के द्वारा, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में बजाज एलियंस के द्वारा दोस्तों टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना की शुरुआत की गई है, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें अगर हम डिस्क्रिप्शन की, तो दोस्तों बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने सहयोग में अपना पहला सह उत्पाद टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इन दोनों के द्वारा मिलके इस उत्पाद को लॉन्च किया गया जिसका नाम है टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें बजाज एलियंस की, तो बजाज एलियंस के प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं, कौन है दोस्तों, तपन सिंघल। कौन है दोस्तों, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के दोस्तों प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं कौन, तपन सिंघल। अब नाम इनका याद रखिएगा, तपन सिंघल। कौन है दोस्तों इनका नाम, तपन सिंघल प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस प्रश्न से संबंधित। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न आज का 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स का। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।